तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 21 अप्रैल 2020 की न्यू खबर में। दोस्तों आज हम आपको देश दुनिया के वो तमाम खबरें बताने जा रहे हैं जो अभी तक आप जो है नहीं जानते। तो चलिए देखते हैं कि देश दुनिया का आज कौन कौन सा जो है टॉप खबर निकल कर आ रहा है। तो कोरोना संकट को जो है लेकर कच्चे तेल की कीमतों में जो है भारी रिकॉर्ड में जो है गिरावट दर्ज हुआ है। तो दूसरा खबर है कि फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ आई आंधी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मौसम का मिजाज जो है बिगड़ चुका है और बारिश के साथ जो है आज आंधी भी जो है काफी ज्यादा जो है आई है। चलिए जानते हैं तीसरा हेडलाइन क्या है। तो तीसरा हेडलाइन जो है, बिहार में पिछले 24 घंटा में मिले 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मरीजों की संख्या जो है यहाँ पे 113 हो गया है। और भारत में कोरोना मरीज 559 लोगों की मौत हो गई है और 17,656 लोग जो है संक्रमित है। तो ये भारत का है। और झारखंड में जो भी कोरोना के 4 मरीज जो है यहाँ पे ठीक हुए हैं, देख सकते हैं झारखंड में कोरोना से 4 लोग ठीक हुए। आइए देखते हैं अगला हमारा टॉप खबर जो है क्या है। तो अगला जो टॉप खबर है वो है यहाँ पे, कुछ राहत दूरी जरूरी, 30 दिन बाद सामान्य होते हालात, आज से दूध दवा सब्जी फल के साथ स्टेशनरी की दुकान जो है यहाँ पे खुलने वाली है। अब चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। तो अगला खबर जो है हमारा मौसम को लेकर है। तो देख सकते हैं आज 21 अप्रैल का टॉप न्यूज है कि मौसम का मिजाज इस हफ्ते नहीं सताएगी गर्मी। तो मौसम का मिजाज जो है बदल चुका है, नहीं सताएगी गर्मी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी की तरफ से इस वीडियो पे जो है लाइक आ जाए। तो वीडियो को आपको यहां से लाइक कर देना है और शेयर पे टच करके इसे अपने दोस्तों के पास जो है आपको शेयर कर देना, जिससे आपका दोस्त लोग भी जो है ये वीडियो देख सके। उसके बाद नीचे जाके आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से जो है देख रहे हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि आप लोग जो है कहां कहां से देख रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आप सब्सक्राइब नहीं, तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा एक बटन मिलेगा, उस पर चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को जो है ऑन आपको कर देना है। चलिए चलते हैं फर्स्ट खबर की ओर। फर्स्ट खबर जो है यहाँ पे बीबीसी न्यूज में जो है छपा हुआ है कि कोरोना संकट को लेकर तेल बाजार में कोहराम मचा हुआ है और कच्चे तेल की कीमतों में जो है रिकॉर्ड जो है गिरावट का भारी दर्ज हुआ है। आइए जानते हैं विस्तार से ये खबर। तो अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार 0 से भी नीचे पहुंच गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार 0 से भी नीचे पहुंच गई है, यानी निगेटिव हुई है। यह गिरावट का सबसे निचला रिकॉर्ड स्तर है। कच्चे तेल की मांग घटने और स्टोरेज की कमी के वजह से तेल कीमत में यह गिरावट आई है। इस गिरावट के मायने यह है कि तेल उत्पादक देश अब खरीदने को पैसे देकर तेल खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेल नहीं बिका तो स्टोरेज की समस्या जो है बढ़ेगी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अब जो यहाँ पे तेल की समस्या जो है बढ़ने वाली है। जो भी देश है स्टॉक करके रखी हुए उसके पास से जो है अब तेल नहीं बिक रहा है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोग घरों में है, तेल की मांग में कमी है, यह भी एक बड़ी वजह है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सभी लोग घर में है और तेल की मांग में जो काफ़ी ज़्यादा कमी है, कोई जो गाड़ी चला ही नहीं रहा तो तेल बिकेगा कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज की समस्या को देखते हुए कई तेल फॉर्म टैंकर किराए पर ले रही ताकि बढ़ा हुआ स्टॉक रखा जा सके। देख सकते हैं स्टोरेज की समस्या जो है यहाँ पे घट गई है। जो भी स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरेज यहाँ पे हो गया है तेल को रखते हुए। तो यहाँ पे फर्म टैंकर जो है किराए पर लिया जा रहा है इसको तेल को रखने के लिए। लेकिन इसका असर अमेरिका की तेल कीमतों पर हुआ है और वहाँ नेगेटिव हो गई, यानी 0 से भी नीचे चला गया है तेल का कीमत। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट WTI, जिसे अमेरिकी तेल का बेंचमार्क माना जाता है, कीमतें की जो है गिरावट -$37.63 प्रति बैरल जो है हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिका में यहाँ पे तेल की जो है भारी गिरावट हुई है कच्चे तेल की। आइए पढ़ते हैं आगे की खबर। तो अगला खबर जो है, अमेरिकी स्टोरेज फैसिलिटी अब तेल की फीकी प्रति चमक और मांगों में कमी दोनों से परेशान है। सोमवार को आई गिरावट का असर दुनिया भर के तेल बाजारों में हुआ है। तो अमेरिका में जो है इस वक्त तेल जो है तेल की कीमत में जो भारी गिरावट जो है यहाँ पे दर्ज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट में भी कच्चे तेल की दाम में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ तेल की कीमत गिरकर $26 प्रति बैरल हो गई है। तो देख सकते हैं तेल की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घटती जा रही है। आइए पढ़ते हैं आगे विस्तार से और क्या है। इस महीने की शुरुआत में ओपेक सदस्य देश और इसके सहयोगी तेल उत्पादन में 10% तक की कमी लाने की राजी हुए थे। तेल उत्पादन में इतनी बड़ी कमी लाने के लेकर यह पहली डील थी। हालांकि कुछ विषयों का मानना है कि तेल उत्पादन में कमी लाकर बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं उलझी है। देख सकते हैं यहाँ पे तेल का जो है यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है कि किस तरह से तेल का ग्राफ जो है बढ़ा है और गिरा है। तो इस तरह से तेल का दाम जो है बढ़ रहा है घट रहा है। देख सकते हैं 2004 ईस्वी 2008 ईस्वी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हाई रेट में तेल का दाम जो है बढ़ा था। उसके बाद 2012 में घटा था, उसके बाद 2016 में भी घटा था, उसके बाद 2020 में देख सकते हैं और नीचे जो यहाँ पे तेल का कीमत जो है गिर चुका है। तो यहाँ पे आप ग्राफ से भी जो है समझ सकते हैं कि किस तरह से तेल का डॉलर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है और घट रहा है। अब आइए जानते हैं और विस्तार से ये खबर। तेल बाजार में संकट लंबा चल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है तेल बाजार में संकट लंबा चल सकता है, क्योंकि बंदी जो है पता नहीं कब तक रहने वाला है। और इससे क्या होगा कि तेल में भारी गिरावट हो रहा है, इससे क्या होगा कि तेल के दाम में भारी गिरावट हो रहा है, जिससे यहाँ पे
तेल का ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। आइए पढ़ते। एंड्रयू वॉकर का मानना है कि दुनिया के पास फिलहाल इस्तेमाल करने की ज्यादा कच्चा तेल है और आर्थिक गिरावट की वजह से दुनिया भर की तेल की मांग में कमी आई है। तेल के सबसे बड़े निर्यातक और ओपेक और इससे सहयोगी जैसे रूस पहले ही तेल के उत्पादन में रिकॉर्ड कमी लाने राजी हो चुके थे। अमेरिका और बाकी देश में भी तेल उत्पादन में कमी लाने का फैसला लिया गया था, लेकिन तेल उत्पादन में कमी लाने के बावजूद दुनिया के पास इस्तेमाल की जरूरत से अधिक कच्चा तेल उपलब्ध है। उसका मानना है कि सवाल सिर्फ इस्तेमाल का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या लॉकडाउन खुलने के हालात सामान्य होने के इंतजार में तेल उत्पादन जारी रखे इस स्टोर करते रहना सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हालात जो है काफी बिगड़ चुका है। अब जो है गाड़ी ज्यादा चलती नहीं, जिसके कारण यहाँ पे तेल जो है काफी ज्यादा स्टोरेज जो है हो चुका है। समंदर और धरती पर स्टोरेज तेजी से भर रहे है। स्टोरेज की कमी भी एक समस्या बन रही है। साथ ही कोरोना महामारी से बाहर आने के बाद भी दुनिया में तेल की मांग धीरे धीरे बढ़ेगी और हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इस समय कुछ स्वास्थ्य संकट के निपटने पर निर्भर करता है। तो ये सारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं खबर निकल के आ रहा है कि तेल के दामों में काफी ज्यादा जो है गिरावट इस साल दर्ज हो रही है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो अगला खबर जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज और बारिश के साथ आई आंधी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं फिर बिगड़ चुका है मौसम का मिजाज और आज बारिश के साथ आंधी भी जो है आई है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 22 अप्रैल का ये है 24 डिग्री और 23 अप्रैल का अधिकतम जो है यहाँ पे 36 डिग्री जो है रहने वाला है। ठीक इसी तरह से 24 अप्रैल का देख सकते हैं 35 डिग्री रहने वाला है और इसी तरह से यहाँ पे नमी में 83% जो है यहाँ पे रहने वाला है और तापमान 32 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है रहने वाला है। और आज का जो यहाँ पे 23 डिग्री है और यहाँ पे बादल भी जो है छाया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं विस्तार से ये खबर। बस्ती मौसम का मिजाज सोमवार को फिर बिगड़ गया और दोपहर बाद अचानक आसमान में काली घटा छाई। इसके बाद तेज हवाओं के बीच बारिश शुरू हो गई। लगभग एक घंटे तक रिमझिम बरसात के बीच हवा का झोंका चलता रहा और यहाँ पे देख सकते हैं ऐन मौके पर प्रकृति की नाराजगी किसान पर भारी पड़ गई। खेत खलियान में मराई के लिए रखी गेहूं की फसल फिर से भीग गई। अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गढ़ी हो गई है। एक बार गेहूं की फसल तैयार होने के समय से ही संकट जनवरी और फरवरी में बेमौसम बरसात में खेत में फसल प्रभावित हो गई थी। गेहूं के दाने मर गए। अब कुछ उम्मीद जगी तो मौसम ने फिर बेईमानी करी है। कहीं फसल की कटाई चल रही है तो कहीं मराई। अचानक बरसात होने से फसल भीग गई है। अब गेहूं तैयार कर रहे घर लाने में फिर 2 दिन की देरी हो गई है। कप्तानगंज संवाददाता के अनुसार अचानक बरसात होने से किसान परेशान हो गए। खेतों में काट कर रखे फसल तितर बितर हो गया है। मराई करते समय गेहूं और भूसा दोनों के बारिश से बचाने का मौका नहीं मिला, इससे गेहूं की फसल में जो है काफी ज्यादा जो है यहां पे नुकसान हुआ है। दोस्तों अगर आप सीतामढ़ी जिला से देख रहे हैं तो आपके लिए भी हम एक खबर बता देते हैं, क्योंकि सीतामढ़ी में भी जो है आज 5:30 बजे में काफी ज्यादा जो है बारिश हुआ है और अभी तक जो है बारिश चल ही रहा है। अभी देख सकते हैं टाइम जो है यहाँ पे 7:00 बज चुका है, फिर भी जो है बारिश यहाँ पे हो रही है। तो पिछले 2 घंटे से सीतामढ़ी में जो है बारिश जो है हो रही है, पता नहीं अब कब छूटेगा। तो आइए जानते हैं अगला खबर। तो अगला खबर जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है कुछ राहत कुछ जरूरी, 30 दिन बाद सामान्य होते हालात। आज से दूध दवा सब्जी फल के साथ स्टेशनरी और दवा की दुकान जो है खुलने वाली है। तो 30 दिन बाद जो यहाँ पे कुछ राहत की बात है, क्योंकि कुछ जो है दुकान यहाँ पे दूध दवा सब्जी जो है यहाँ फल का दुकान जो है खुलने वाला है। सरकारी दफ्तर खुलेंगे, उद्योगों को भी शर्तें के साथ छूट। तो देख सकते हैं उद्योग भी जो है खुलने वाला है, उसको भी शर्तों के साथ जो है यहाँ पे छूट जो है मिलने वाला है। आइए जानते हैं ये खबर विस्तार से। निर्माण कार्य हुए शुरू, बिजली के बिल काउंटर खुलेंगे और लेकिन सभी तरह का यात्री परिवहन और मॉल बंद रहेंगे। तो बिजली के बिल वाला काउंटर जो खुलेंगे, यात्री परिवहन और वो मॉल जो है यहाँ पे बंद रहने वाला। तो आज 21 अप्रैल का ये समाचार जो छपा हुआ है देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर में जो है साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, अगले 2 दिन प्रशासन का कर्फ्यू और उसके बाद 27 दिन से जारी लॉकडाउन के बाद पहली बार मंगलवार को शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर सिलेंडर विक्रम सिंह ने मंगलवार को कुछ अलग अलग सेक्टर में छूट की घोषणा की है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के छात्र इन दिनों घर बैठे हैं, इसी कारण किताब व स्टेशनरी की दुकान अब खुलेगी। कलेक्टर ने किराना सब्जी फल दवा दुकान पेट्रोल की बिक्री के लिए भी मंजूरी दे दी है। सोमवार रात जारी आदेश 3 मई की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। ऐसे समझे किस सेक्टर को कब तक रहेगी छूट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फल और सब्जी वाला जो सेक्टर है सभी 10 पॉइंट से थोक में और इसके बाद ठेले से खारिज में 11 बजे तक बिकेगी। तो फल और सब्जी का जो भी ठेला है उसको जो है 11 बजे तक यहाँ पे बिक्री करना है। ग्रामीण क्षेत्र में ADM निर्णय लेंगे। पुरानी छावनी फल मंडी रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बिकेंगे, इसके बाद ठेले से बिक्री सुबह 11 बजे तक ही होगी। किराना थोक दुकानें 21 व 23 अप्रैल को 8 से 11 बजे तक खुलेगी। खेरिज किराना दुकानें से 22 से 24 अप्रैल को ऑनलाइन, जबकि 25 और 26 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक सीधे ग्राहकों की बिक्री की जा सकेगी। दूध ब्रांड अंडा दूध डेरिया सांची अमूल मिल्क पार्लर टोस्ट ब्रेड अंडे बिक्री सुबह 6 से 9 बजे तक ही हो सकेगी।
और कुछ दुकान जो यहाँ पे बंद रहने वाला है, जो नियम के तहत नहीं आते वो सब जो यहाँ पे बंद रहने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो अब जो यहाँ पे 30 दिन बाद थोड़ा जो है राहत मिला है दुकानदारों को, कुछ दुकानें जो यहाँ पे खुलने वाला है। आइए पढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो अगले खबर जो यहाँ पे देख सकते हैं, मौसम का मिजाज इस हफ्ते नहीं सताएगी गर्मी, आज 21 अप्रैल का टॉप न्यूज जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है livehindustan.com की तरफ से कि मौसम का मिजाज बदला, इस हफ्ते अब नहीं सताएगी गर्मी। तो दिल्ली में इस सप्ताह बादलों की आवाजाही और बूंदाबूंदी के चलते तेज गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण सप्ताह भर तेज हवाओं और बादलों का दौरा बना रहेगा। सोमवार के अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। तो देख सकते हैं बारिश के कारण जो यहाँ पे तापमान जो है अब नहीं बढ़ने वाला, तापमान जो है सामान्य ही रहने वाला है दिल्ली में। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार सुबह हल्के बादल छाए रहे, दिन में तेज धूप के बीच लगातार बादलों का आना जाना लगा रहा। मौसम विभाग के सफदरजंग केंद्र में दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यह सामान्य से 4 डिग्री कम है। वही न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तापमान जो है काफी गिरावट हुआ है जब से बारिश जो है यहाँ पे हुई है। तो 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा, जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। इस सप्ताह अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है रहने की संभावना है। वही राजस्थान की ओर से आने वाली हवा के चलते दिल्ली की हवा में धूल कणों की मात्रा में इजाफा हुआ है। हालांकि औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी के प्राथमिक स्तर पर बना हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है गर्मी अब नहीं सताने वाली है, थोड़ा गर्मी में जो है राहत आने वाली है और यहाँ पे सर्दी का जो है मौसम बनने वाला है। तो दोस्तों अगर इसी तरह का हर दिन लेटेस्ट न्यूज और देश दुनिया की तमाम खबरें जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह का देश दुनिया की तमाम वो खबरें बताया जाता है जो आपको देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।